आपके पास सैमसंग का F34 मोबाइल है या फिर M34 मोबाइल है, यानी कि F34 है या फिर M34 मोबाइल है, उसमें जो है 5G वर्क नहीं कर रहा है, 5G नहीं चल रहा है, चाहे आपके पास जियो की सिम हो, चाहे वी की हो, चाहे आपके पास एयरटेल की सिम हो, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 5G नेट नहीं आ रहा है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसमें 5G नेट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा आपको 5G नेट को कैसे लेके आना है अपने सैमसंग के M34 में या F34 में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पास है सैमसंग का M34 स्मार्टफोन, तो इसमें आपको भी मैं बताऊँगा कि आपको कैसे करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले देखो यहां पे दो तीन सेटिंग में आपको बताऊंगा, आप YouTube पे वीडियो देख चुके हैं तो वो भी सेटिंग आपने देख ली होंगी, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक कमाल की सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका स्टेबल भी रहेगा 5G और चलेगा भी बहुत ही फास्ट। तो आपको देखो अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सबसे पहले कनेक्शन दिखेगा, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है और वहां पे आपको दिखेगा मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपकी जो भी सिम 5G यहाँ पे स्लॉट में पड़ी हो, ठीक है, जैसे कि आपकी एयरटेल है हो या फिर जियो हो, वो स्लॉट में पड़ी हो फर्स्ट नंबर या सेकंड में, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से 5G नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके सेट टू डिफॉल्ट कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए इसे आप, इतना आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल डाटा लिखा है, यहाँ पे आपके फ़ोन में एक ही सिम पड़ी है तो सिम बंद कर दीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आपके फ़ोन में दो सिम पड़ी हुई हैं तो फर्स्ट स्लॉट में आप सिम डालिए जिसमें 5G चलाना चाहते हैं और यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए, इतना सा आपको करना है। फिर यहाँ पे जो खुफिया सेटिंग मैंने आपको बताई थी वो है 5G डालना है और यहाँ पे इस तरीके से ये देखो ऑप्शन दिख जाएगा 5G का, इसे आपको बस ऑन करना है, ये देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है, ये आपको इतना आपको करना है। और यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे एक ऑप्शन होता है फ्लाइट मोड का, इस पर आपको एक बार टैप करना है और थोड़ा वेट करके आपको फिर से इस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी नहीं होगा टैप क्योंकि अभी टाइम ले सकता है ये, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 5G नेटवर्क आएगा, ये देख पा रहे हैं 5G इंटरनेट आना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा जूम करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने M34 मोबाइल के अंदर F34 मोबाइल के अंदर 5G लेके आ सकते हैं। जय हिंद।